अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ आलू की कतलियों की रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 4 अदद आलू लिए हैं और इसको स्लाइस में कर दिए हैं। कटिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, जिस कटिंग शेप में आलू कटिंग करना चाहें। अब मैंने एक पैन में जो है 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1/2 टी स्पून ये मैंने इसमें ज़ीरा जो है वो जाएगा, और 1/2 टी स्पून ही इसमें कलौंजी जाएगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोनों चीज़ों से। ज़ीरे की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और कलौंजी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस ये हल्का सा मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें साथ में ही मैंने अनियन डाल दी है, 2 से 3 अदद जो है वो अनियन ली है, और हल्का सा बस इसको ब्राउन कर लेंगे। फटाफट से ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। इसमें मैंने गार्लिक लिया है 2 लहसुन, लेकिन अगर ये नहीं लेना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसलिए ले रही हूँ मैं। ग्रीन चिली ली है 3 से 4 अदद, और इसके साथ जब भून रही हूँ तो बहुत अच्छी इसकी जो है खुशबू आ रही है। बस ये जो कटिंग की थी फटाफट से ये मैंने इसमें जो है आलू ऐड कर दिए। बहुत झटपट रेसिपी रेडी हो जाती है, टाइम भी नहीं लगता है इसमें। ये 1/2 टी स्पून मैंने इसमें जो है सॉल्ट डाला है, आप हसबे जायका ले सकते हैं, और 1/2 टी स्पून ही इसमें रेड चिली जाएगी, और 1/2 टी स्पून ही इसमें भुना हुआ ज़ीरा है, ये पिसा हुआ भुना हुआ ये भी जाएगा 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून ही इसमें जो है वो हल्दी पाउडर जाएगा, ये देखिए। बस अब फ्लेम जो है मैंने नॉर्मल ही रखा है। अच्छा, 1/2 टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च भी डाली है, इससे भी थोड़ा सा अच्छा जो है टेस्ट आ जाता है। बस अब ये इसको मैं मिक्सअप करूँगी, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लूँगी इसको। अब 10 मिनट्स के लिए इसको मैं कुक कर लूँगी। फटाफट रेडी हो जाते हैं आलू, टाइम नहीं लगता इसमें। ये देखिए, ये हमारे जो है वो रेडी हो गए, झटपट सी जो है वो आलू की कतलियों की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया है, इसका तो एक अलग ही जो है वो देखने में लुकिंग वाइज कितनी खूबसूरत लगती है ये। तो जो लोग न्यू मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारी दुआएं सब दोस्तों के लिए। और कमेंट्स में भी ज़रूर लिखा करें कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफज़ाई होती है। बहुत सारी दुआएं सब दोस्तों के लिए, दुआओं में सब याद रखें। न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।